हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल। देखिए, एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं और पावर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं हम एनर्जी एंड पावर फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए करेंगे। पहला है, अगर हमारा सिग्नल यानी एक्स टी इज फाइनाइट, अगर हमारा एक्स टी फाइनाइट हो तो उसकी एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। यानी टी जो फाइनाइट है उसका, मान लिए दो इंटरवल है टी वन और टी टू, देन उसकी एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है उसकी इंटीग्रेशन टी वन से टी टू एक्स मोड, इसका एक्स टी का क्या लेंगे, मोड लेंगे, देन स्क्वायर करेंगे डी टी। तो एनर्जी इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, और पावर किससे फाइंड करेंगे, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इंटीग्रेशन टी वन टी टू एक्स टी का मोड का स्क्वायर डी टी। अगर एक्स टी हमारा फाइनाइट है तो हम इन वाले फॉर्मूले से एनर्जी और पावर फाइंड करेंगे। अगर हमारा एक्स टी इनफाइनाइट ड्यूरेशन का आ जाए, इनफाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाला, वहाँ पे क्या करेंगे, अगर टी हमारा यहाँ पे क्या होगा, टी जो होगा माइनस टी से लेके टी जो होगा और टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यानी टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, देन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी उस टाइम पे, लिमिट लिमिट हमें क्या करनी है, टी को इन्फाइनाइट कर देना और माइनस टी से टी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स बाकी का सेम रखेंगे डी टी। और पावर के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी, ठीक है, माइनस टी से टी एक्स टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, इतना करना बस, अगर कंटिन्यूस टाइम का था तो एनर्जी और पावर फाइंड करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। अगर हमारा सिग्नल, हम क्या कर सकते हैं, देखो कभी भी एक सिग्नल जो सिग्नल होगा ना, एक सिग्नल जो होगा वो एनर्जी और पावर दोनों तरह का नहीं हो सकता। या तो वो एनर्जी होगा या पावर होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। ये कंडीशन होगी कभी भी दोनों का नहीं होगा, यानी ना तो दोनों एनर्जी और पावर का उसकी फाइनाइट नहीं आएंगी। अगर एनर्जी, मान लो एनर्जी हो उसकी किसी सिग्नल की फाइनाइट आ जाए और पावर आ जाए हमारी जीरो, ठीक है, तो हम उस सिग्नल, वो सिग्नल होता हमारा एनर्जी सिग्नल। अगर हमारी एनर्जी इनफाइनाइट आ जाए और पावर क्या आ जाए, फाइनाइट, तो वो सिग्नल होता हमारा पावर सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट, सारे जो जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो पावर सिग्नल होते हैं। थर्ड है, ऑल पावर, ऑल पावर सिग्नल्स ऑल सॉरी पीरियोडिक ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर सारे पीरियोडिक सिग्नल्स कैसे होते हैं, पावर सिग्नल्स, बट ऑल पावर सिग्नल्स आर नॉट पीरियोडिक। ठीक है, ऑल पावर सिग्नल्स आर नॉट पीरियोडिक, ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन में फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे एनर्जी फाइनाइट आ गई हमें पावर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पता लग जाएगा पावर ऑलरेडी जीरो आनी ही है उसकी। ठीक है, क्योंकि दोनों किसी सिग्नल की एनर्जी और पावर दोनों चीज़ तो एग्जिट करेंगी नहीं, एक ही चीज़ एग्जिट करेगी या दोनों ही एग्जिट नहीं करेंगी। ये तो कंटिन्यूस टाइम के लिए, डिस्क्रीट के लिए देखते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स किसके लिए, फॉर डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए फाइंड करना, यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ पे पहले वहाँ पे एक्स टी होता था, यहाँ पे क्या होगा एक्स एन, इफ एक्स एन क्या हमारा फाइनाइट है, फाइनाइट ड्यूरेशन का है, फाइनाइट ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे एन होता है, वहाँ पे टी होता था, एन वन से एन टू
वहाँ पे T1 होता है, यहाँ T2 होता था, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? वहाँ पे समीशन होता था, ये डिस्क्रीट है तो सॉरी वहाँ पे इंटीग्रेशन होता था, यहाँ पे डिस्क्रीट है तो क्या आ जाएगा? समीशन आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू n1 से लेके n2 xn का मोड का स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा इस एनर्जी का फॉर्मूला। पावर के लिए क्या हो जाएगा? नहीं, 1 अपॉन n2 माइनस n1 प्लस वन, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे प्लस वन आ जाता है, बाकी का फॉर्मूला वही है, n1 n2 xn के मोड का स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। इफ xn क्या हमारा इनफाइनाइट ड्यूरेशन का आ जाए, क्या होगा फिर? इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए यानी एन जो होगा हमारा कहाँ से लेके माइनस एन से लेके प्लस एन तक जाएगा, और एन टेंस टू कैपिटल एन, टेंस टू कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो एनर्जी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा एनर्जी कितना हो जाएगा, एन इक्वल्स टू माइनस एन से लेके प्लस एन मोड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर, या फिर एन के यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया हूँ, एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है? पावर कितनी हो जाएगी? पावर के पावर में क्या फॉर्मूला, जैसे वहां पे होता था एन टेंस टू इनफाइनाइट, वहां पे 2T होता था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है? यहाँ पर केवल 1 का फर्क है और कुछ नहीं, बाकी का एन इक्वल्स टू माइनस एन से प्लस एन और एक्स एन के मोड का स्क्वायर। तो ये बस इतना फर्क था, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है? पावर निकालने में, और जो 3 पॉइंट मैंने उसके लिए लिखा है वही सेम 3 पॉइंट किसके लिए लिए रहेंगे? नीचे वाले के लिए रहेंगे, डिस्क्रीट के लिए भी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना अच्छे से। ये याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन समझने आएंगे, वहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा इन फॉर्मूलों को। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।